जो आपने ये जो नई स्कीम लॉन्च की है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये एक्चुअली क्या है, मुस्लिम बैंकिंग एंड ऑल दैट? आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि यूएनबी को ये फ़ख्र हासिल है कि उसने सबसे पहला जो मॉर्गेज, इस्लामिक मॉर्गेज प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया, और अब उसके बाद हम लोगों ने आज जो है इस्लामिक डिपॉजिट की जो है वो लॉन्च की है। ये इस्लामिक डिपॉजिट जो है ये 90 डे नोटिस की उसमें है, ये 3 महीने के, 6 महीने और 12 महीने के जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसमें अवेलेबल होगा। और ये जो डिपॉजिट है बेसिकली जो यूके के अंदर जो साउथ एशियंस की जो पॉपुलेशन है उनके लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तानीज़ के लिए हैं। पाकिस्तानीज जो कि अबाउट 1 मिलियन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो उसके अलावा जो साउथ एशियन जो मुस्लिम्स हैं उनकी बड़ी जो है वो डिमांड है कि यूके के अंदर कोई इस्लामिक इस्लामिक डिपॉजिट वगैरह होना चाहिए। तो होपफुली वी विल बी एबल टू केटर टू देयर रिक्वायरमेंट इन टाइम टू कम। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल अबाउट फॉर आवर व्यूअर्स के किस टाइप का ये अकाउंट होगा, कुछ थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करना चाहें तो? जी, ये जो है इट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग प्रोडक्ट। ये जो है शरिया कंप्लायंट है, और जो हमारे जो शरिया एडवाइज़र हैं मुफ्ती बरकतुल्ला साहब, वो यूके की एक मशहूर हस्ती हैं। ये प्रोडक्ट जो है एज आई रियली सेड कि इसके अंदर किसी किस्म का इंटरेस्ट या रिबा शामिल नहीं है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुसलमान जो है बहुत ही मतलब बग़ैर किसी किस्म के कंसर्न के वो इस प्रोडक्ट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास डिपॉजिट रख सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट से जो जो हमारे डिपॉजिट रेज होंगे वो भी इस्लामिक जो एसेट्स हैं, जो मतलब लोन बुक है उसमें शामिल होंगे। तो आई थिंक इससे अच्छा उन्हें कोई मौका मिलेगा नहीं कि अपने अपने जो उनके फंड्स हैं उसको इस्लामिक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। चलिए, आई थिंक यू एक्सप्लेन वेरी वेल, थैंक्स वेरी मच फॉर। ओके, शुक्रिया।